टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि पूरे देश में कहीं ना कहीं आज दीपावली का त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी के मुताबिक ये त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु रामचंद्र जो है वो रावण से जीत हासिल करके 14 साल वनवास काटकर आज ही के दिन कहीं ना कहीं अयोध्या वापस लौट कर आए थे, जिसके खुशी मनाने के लिए अयोध्या वासियों ने दीप जलाई थी। और इसी तरह से पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं जो है ये एक पर्व के तौर पर मनाया जाता है। लोग जो है एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं और दीप जलाकर जो है दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। कहीं ना कहीं जो है पटाखे भी दीपावली के त्यौहार में फोड़े जाते थे, लेकिन इस वक्त जो है सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके मुताबिक पटाखों पर पाबंदी है। कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी कहीं भी पटाखे थोड़े बहुत फोड़े जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार जो है मनाया जा रहा है और लक्ष्मी पूजा भी की जा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या जिस तरह से हर साल वो दीपावली मनाया करती थी, इस साल दीपावली में कुछ फर्क पड़ा है, कुछ असर देखने को मिला है। आप लोग दीपावली का त्यौहार जो है बहुत अच्छा पर्व है ये, और कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ता है। आज ही के दिन जो है रामचंद्र जो है वनवास से वापस आए थे, ये त्यौहार मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजा भी आप लोगों ने की। आपके माध्यम से मैं मेरे सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि हमारे जिंदगी में जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर हो जाए। असत्य पर सत्य की जीत श्री राम ने की थी रावण का वध करके, और वो अयोध्या लौटे थे। तो वैसे ही अभी कोरोना का जो माहौल है वो कम होते जा रहा है, लेकिन अभी भी सुनने में आया है कि दिल्ली में फिर से कोरोना की बहुत बड़ी लाट आ चुकी है। तो मैं आपके ज़रिए सबको यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से राज्य सरकार ने हमारे महाआघाड़ी ने हमें जो भी नियम जो दिए हैं उनको फॉलो करके ही हम दिवाली मनाएं, और इसी तरह से हम आगे के त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे, यही मैं आपके ज़रिए लोगों को सूचित करना चाहती हूँ। तो और भी त्योहारें जो आए उस पर भी काफ़ी असर देखने को मिला, दीपावली पर भी असर देखने को मिला, और जिस तरह से ये गाइडलाइन जारी हुई इस हिसाब से आप लोग त्यौहार मना रहे हैं, तो पटाखे जिस तरह से जो निर्देश था बहुत जगह तो पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, आप लोग क्या ऐसे पटाखे वगैरह पर क्या लोगों को क्या संदेश? मैं आपके ज़रिए कहना चाहती हूँ कि पटाखों से वैसे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा, और अभी माहौल ऐसा है कि एक साल अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं लोगों से उम्मीद करती हूँ कि जो भी राज्य सरकार ने आपको नियम दिए हैं उसको आप फॉलो करें और इस साल पटाखे ना जलाएं। और आपके माध्यम से प्रहार टाइम्स के माध्यम से मैं मेरे सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू। पूरे दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, इसी तरह से हम मुंब्रा के आज जो है एक फैमिली के घर में आए थे और यहाँ पर भी किस तरह से दीपावली का त्यौहार बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।